वेलकम टू द यूनिवर्स। आज देखो यार, मेरे पैर ही दिख रहे हैं तुम्हें, क्योंकि मैं खुद दिख नहीं रहा, क्योंकि आज पैरों का ही मेन काम है। यूनिवर्स मुझे ऐसे कह रहा है कि शैतान भी छोड़ा जाएगा मेरे ऊपर, देखते हैं क्या होता है। करते हैं शुरुआत, टाइम लैप्स चला दूं? चलो। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ये हुआ। यूनिवर्स ने मुझे भेज दिया है अस्पताल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। कौन? मैं वही हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। मेरी परीक्षा? तुम्हारी परीक्षा? मेरे पेपर हो गए। पेपर तो जिंदगी में बहुत देर। अच्छा, लेकिन ये परीक्षा मैंने कौन सा पाप कर दिया? तो वैसे भाई दर्द वैसे हो रहा है, तू चैलेंज और करवा ले इतने सारे। अरे राम जी, कहाँ कहाँ लेके जाएगा मुझे? वैसे यार मैं कहीं गया तो हूँ नहीं, लेकिन अभी ले जाना चाहता है, देखते हैं कहाँ कहाँ ले जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे? इमोशंस भी बदलेंगे। चलो। अरे भाई, भाई बड़ी ठंड है। पानी पी लेता हूँ, ये भी जम गया। ओह शिट, अब तो ऐसे ही चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। तो बहुत हिम्मत करके ये चैलेंज पूरा करा, लेकिन मेरी हिम्मत बीच में टूटने लगी। और जैसे ही मेरी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी कई पड़ाव हैं। चाहे इस पड़ाव को पार कर जाओ, लेकिन इसे नहीं कर पाओगे। अब इस धूप से कौन बचाएगा? इतने तेज धूप में भी लोहा भी पिघल जाए। जिसके हाथ में लगा ना, ये उससे भी ज्यादा गर्म है। अब बच के दिखाओ, अब चैलेंज पूरा करके दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये तो सोचा ही नहीं था। ये शक्तियां कहां से आई तुम्हारे अंदर? लेकिन कोई बात नहीं, अभी और कहां बच रहे हैं? धरती में सबसे तेज हवा यही चल रही थी, इसलिए आज यही लेके आया हूँ। अब मैं मुझसे गिरना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना वेट बैलेंस करना पड़ेगा अगर बचना है तो। सबसे दर्दनाक यादें तुम्हारे कानों में गूंजेंगी, सबसे ज्यादा डरावनी चीजें तुम्हें सुनेंगी। अब तुम देखोगे जो तुम कदापि नहीं देखना चाहते थे, और
अंत में तुम्हारे विचारों से मेरे विचारों की लड़ाई होगी। अब तुम्हें घुटने टेकने ही होंगे। तो भाई साहब, आपके यूनिवर्स में ये चैलेंज पूरा होता है। मेरे यूनिवर्स में तो आपने देखा कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, फिर भी सब कुछ सही हो गया। वैसे तो यार शैतान 12 घंटे में ही मर गया। अभी सूर्यदेव मैंने स्टार्ट किया था जब यहाँ से उगने वाले थे, अब छिपने वाले हैं सूर्यदेव, तब तक अपना चैलेंज कंप्लीट हो गया। 12 घंटे में शैतान मर गया, 24 घंटे की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो मेरे यूनिवर्स में हुआ है। और आपके यूनिवर्स में भाई देखो, मेरे पैर बिल्कुल खत्म हो गए, ऐसा समझ लो आप। बहुत बुरी हालत होगी। आज तो इसने मेरी जान बचाई। ये भाई बर्फीले समय में ये भी बिल्कुल बर्फीली हो गई। पानी पीऊं तो कैसे पीऊं, गर्मी वाले समय में ये भी बिल्कुल गर्म हो गई। हवा में तो इसका कुछ लगा ही नहीं, हवा में जैसे इसको पकड़ने जाते है कहीं उड़ जाती। लेकिन अपने इस वीडियो का मूल सार क्या है आज का, कि भाई अपने यूनिवर्स में आपने आज ये सीखा कि अपन कुछ भी चीज ठान लेते हैं तो चाहे 1000 बातें आपको कोई सुनाए, चाहे आपके साथ में कुछ भी हो, कैसे आप सपने का मतलब कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, आपको कितनी ठंड कितनी गर्मी, कितना ही अच्छा मौसम हो कितना ही बुरा मौसम हो, आपको अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहना है। ये था अपने इस वीडियो का मेन मोटिव। और हाँ, आपकी यूनिवर्स में 24 आवर्स चैलेंज, मेरे यूनिवर्स में इन सभी चीजों को कॉन्कर करके अपना एक जो मोटिव है, अपना एक जो एम है, उसको हासिल करना। ठीक है, तो ऐसी और जोरदार धमाकेदार और शानदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस दुनिया में और कोई जगह नहीं जहाँ पे ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिले। हाँ, कई लोग पूछेंगे भाई ये वाली पोजीशन क्यों चुनी, पोटी पोज। ये पोटी पोज नहीं था, ये देखो ये बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है वैसे देखा जाए तो। इसको इतने समय मैंने किया तो मेरा भी फायदा होगा, हालांकि मेरे पैर तो दुख रहे हैं बहुत जोर से, ज्यादा समय तक ही कर लिए, इतने समय भी नहीं करनी थी। हाँ, लेकिन इसमें क्या करना है अपन, कि अपन पूरा पैर नहीं टिका ऐसे, ठीक है, पंजों पे उंगलियों पे ऐसे खड़े रहते हैं। मैं बैठ गया तो ऐसी बात रहे, तो इस बोतल को टाटा कह देना, मुझे भी टाटा कह देना। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब देखना, ये देखो यार इसकी परछाई नहीं दिख रही, नहीं तो पहले तो इस तरफ थी इसकी परछाई, ये है भाई, काफी समय हो गया। अब दिखाऊंगा डॉक्टर को यार, ज्यादा ही हालत टाइट हो गई। कैसी लगी आपको अपनी आज वाली वीडियो, क्या इससे कुछ सीखने के लिए मिला? और आप ये भी मुझे कमेंट करके बताना आप कितने समय ऐसे रह सकते हैं या फिर बैठ ही नहीं सकते ऐसे। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, एक और बात की भाई, मैंने अभी वीडियो देखी, वो जब मैं ऐसे बैठा हूँ ना, ये ऐसे देखो ऐसे, तो ये ऐसे टिका हुआ लग रहा है। ये वो वाली बात है जैसे वो डोली की चाय की टपरी में वो दूध के सही में जीव नहीं लगाता, लेकिन अगर ऐसे शूट कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि वो सच में जीव लगा रहा है। देखो डोली वाली बात तो नहीं करेंगे लेकिन अपनी बात ये देखो कि ये है ना, ये ऐसे रहता है। तो मैंने वीडियो में बीच में ऐसे भी किया इसको, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई घोच-पोच नहीं हो रही है। यार मैं ही घोच-पोच करूंगा तो फिर असली काम कौन करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।